देवी नंदी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, एक्चुअली डबल कांग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म है ये एंड फिल्म के साथ में आप डेब्यू भी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये फिल्म, हम बहुत सारी बातें करी, हमने ट्रेलर भी देखा है, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले कब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टर बनना है और इस तरह से एक्शन रोमांस सब कुछ करना है? अच्छा, एक्टर बनने का सपना तो मेरा बचपन से ही था, मतलब इत्तेफाक से मैं एक्टर नहीं बनी, मुझे बचपन से एक्टर बनना था। और मुझे तलवारबाजी, मार्शल आर्ट्स से बड़ा, गन्स वन से बड़ा वो है कि मुझे ऐसे रोल्स करने थे हमेशा से, यू नो, जिसमें गन्स इन्वॉल्व हो, तलवारबाजी इन्वॉल्व हो या कोई एक्शन सीक्वेंस हो। तो वीरन के ज़रिए मुझे एटलीस्ट तलवारबाजी करने को मिला। सो जी बहुत अच्छा रहा। तो कलरीपयट में, वीरम में हमने कलरीपयट करा है, और कलरीपयट में 4 साल से बॉम्बे सीख रही हूँ। और ये इत्तेफाक की बात हुई कि मूवी में कलरीपयट इन्वॉल्व था, रिक्वायर्ड था। तो जो सफ़र है मार्शल आर्ट्स और डांसिंग का, बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मुझे हमेशा से एक नई कला सीखने की हमेशा से एक जागरूकता रहती है कि कुछ नया सीखूं। तो मुझे जब मार्शल आर्ट सीखना था तो मैंने बहुत रिसर्च करा इंटरनेट पे कि ये है क्या आखिर में। तो मुझे पता पड़ा कि कलरी पयट जो है वो मार्शल आर्ट्स का मदर, लाइक इट्स मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, वहीं से ही सारे मार्शल आर्ट्स की का जन्म हुआ है। तो अगर आप कराटे की बात करें, टाइक्वांडो की बात करें, किसी भी फॉर्म की बात करें, वो आया कुंफू, वो कलरी से आया है। और कलरी जो फॉर्म है वो परशुराम जी ने, जो अगर आप हमारा हिस्ट्री पढ़ें तो परशुराम जी ने इस फॉर्म को जन्म दिया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कलरी पेड़ पहले सीखती हूँ ऐसे। डांस भी अच्छा करती हैं आप, हमने सुना डांस, डांस में भी आपने महारत हासिल की है। कहाँ से सुना आपने? हाँ, क्लासिकल हाँ जी, क्लासिकल कथक और स्ट्रीट जैज करा है मैंने। बट इसके अलावा मुझे बचपन से ही डांसिंग में बहुत बहुत इंक्लिनेशन था, क्योंकि मेरी मदर खुद एक कथक डांसर हैं। तो करीबन आई थिंक 4 या 5 साल की उम्र से मैं डांस कर रही हूँ, और मुझे फ्री स्टाइल ज़्यादा पसंद है, जिसमें बॉलीवुड जो आता है, जैसे ठुमका शुमका जो आते हैं, मुझे वैसे डांसिंग नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सही है? एकदम सही है। वीरम के लिए आपको कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। फिल्म, ये फिल्म कैसे मिली आपको, क्योंकि ये फिल्म हिंदी में भी है जी, इंग्लिश में भी है जी, और मलयालम में जी जी। ये फिल्म कैसे मिली आपको, और मतलब कुछ ऑडिशन, मेरा कहने का मतलब ऑडिशन दिया आपने या फिर ये कैसी रही, कैसे मिली? तो मैं ऑडिशंस पे बहुत बिलीव करती हूँ। एज एन एक्टर आपको रोज़, हर रोज़ ऑडिशन देना चाहिए। तो बॉम्बे में मैं करीबन 7 साल से हूँ, और रोज़ मैं ऑडिशन देने जाती हूँ, ये मेरा एक रिचुअल है। तो हाँ, मतलब मैंने करीबन अभी तक कम से कम 1000 ऑडिशंस तो दे दिए होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बस अपना कसरत करी, नहाया और ऑडिशन पे निकले। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग एक कला है, इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, जिसको आपको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है रोज़। अगर आप शूटिंग नहीं कर रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो, आप ऑडिशन पे जाके उस कला को उभार सकते हो। सो मैं ऑडिशंस बहुत देती थी, कमर्शियल्स के लिए, टीवी के लिए, फिल्म्स के लिए। मीरा जी जो हैं, जो वीरम की कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनको मैंने एक बार एक कमर्शियल के लिए ऑडिशन दी थी। तो वो टेप मेरी उनके पास रखी हुई थी, वो टेप उन्होंने डायरेक्टर सर को दिखाई, जिनका नाम जयराज सर है, और सर ने मुझे पसंद करा, और फिर सर ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। हमने मीटिंग करी, हमने बहुत बातें करी, फिर लुक टेस्ट हुआ, लुक टेस्ट के बाद रीडिंग हुई, और रीडिंग के बाद सर ने कहा कि ये कुट्टी मानी है, लेडी मैकबेथ है वीरम की। तो ऐसे मुझे ये रोल मिला। तो जब आपको बताया गया कि आपको इस फिल्म में एक्शन भी करना है, रोमांस भी करना है, एक स्टोरी के हिसाब से हमें जाना है जी, देन कि हाँ, आप मतलब आप कुछ नर्वस थे या एक्साइटेड कि इतनी बड़ी फिल्म है, उस फिल्म में कुणाल कपूर भी होंगे, वीएफएक्स जी, आज का टाइम वीएफएक्स पे सारी चीजें होती हैं, इतनी बड़ी फिल्म, साउथ, हिंदी, मलयालम जी, इन सब में करना है, तो मतलब नर्वस थी या एक्साइटेड? या मैं बहुत एक्साइटेड। जो आपने सोचा था वो स्टार्ट होने वाला था? मैं बहुत एक्साइटेड थी। मीटिंग के बाद, लुक टेस्ट के बाद, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि मुझे मूवी मिलेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि इतने साल हो गए मुझे एक्टिंग में, और कुछ भी काम आता है, शॉर्टलिस्ट होती हूँ, तो बस ध्यान वही अटका रहता है कि यार काम आ जाए, ये आ जाए, और वो आता नहीं है। तो उसी डर के कारण मैंने इस ऑडिशन और मीटिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा शायद नहीं आया। बट फिर मुझे कॉल आई, मुझे कहा गया कि आपको ये रोल मिल गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी,
वो एक्साइटमेंट, मुझे नर्वसनेस भी हुई कि ये डेब्यू रहेगी मेरी, 3 लैंग्वेजेस में है, कुणाल कपूर है, जयराज सर है जो कि क्रिटिकली बहुत ही अक्लेम्ड डायरेक्टर है, उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं इंटरनेशनली नेशनली. तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत नर्वस थी कि क्योंकि पिक्चर में जो रोल है वो लेडी मकबैत का है, कुट्टी मानी जो है वो लेडी मकबैत है, तो उसको इतनी खूबसूरती से निभाना वॉज लाइक अ चैलेंज फॉर मी, और उस चीज़ की वजह से मुझे नर्वसनेस बहुत थी. सो दोनों थी, लाइक यू सेड कि एक्साइटमेंट था, नर्वसनेस थी, बट मैं बहुत जिसको बोलते हैं ना, बहुत जुनून था मेरे अंदर कि मुझे अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें मार्शल आर्ट्स है, इसमें एक्टिंग इन्वॉल्व है, इसमें आप बहुत ग्लैमरस दिख रहे हो, इसमें आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, इसमें DOP जो सर हैं, वो जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सर है, एस कुमार सर जो हैं, वो भी अक्लेम्ड DOP हैं डाउन साउथ, डायरेक्टर सर इतने बड़े हैं, कुणाल इज़ देयर, तो मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा पैकेज था एक डेब्यू का. तो मुझे बहुत 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 खुशी थी, बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन थोड़ा सा डर भी था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, बट थैंकफुली, थैंक टू गॉड, एवरीथिंग वेंट स्मूथ. रविना जी, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ाई किया, लोगों का इंटरव्यू किया है, जितना मैंने सीखा है कि हर एक एक्टर का सपना होता है कि मेरा डेब्यू हो तो इस तरह का हो, इस हीरो के साथ में हो, या इस तरह का होना चाहिए जी, जो भी एक रोमांस या एक्शन करूं उसमें ये करूं, मेरा डेब्यू में ये होना चाहिए. आप अपने डेब्यू से खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि सबके अपने अपने सपने होते हैं कि ऐसी पिक्चर मुझे मिले, डेब्यू मिले, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक है, तो पिक्चर में मार्शल आर्ट्स था. मूवी में चैलेंज ये था कि अंग्रेज़ी हिंदी तो मुझे आती है, लेकिन मलयालम बोलने का दूसरा चैलेंज था, जो कि एज एन एक्टर मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि व्हेन यू लुक अप टू एक्टर्स लाइक मेरिल स्ट्रीप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह साहब, इतने दिग्गज एक्टर्स को जब आप आइडलाइज करते हो, तो आपको भी मन करता है कि मैं भी अलग अलग भाषा बोलूँ, अलग अलग एक्सेंट बोलूँ, अलग अलग डायलेक्ट बोलूँ. तो मेरी डेब्यू में ही मुझे मलयालम बोलने को मिला, और ये जो मलयालम हमने यूज़ करी है, ये कोई कंटेम्प्रेरी मलयालम नहीं है, जैसे हमारी एंशियंट हिंदी होती है वैसे ही इन्होंने एंशियंट मलयालम यूज़ करी है, तो वो और चैलेंजिंग था मेरे लिए. तो मेरे लिए तो आई थिंक ये कंप्लीट पैकेज ऑफ डेब्यू है, जिसमें तलवारबाजी है, 3 भाषाएं हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत ग्लैमराइज आपको लुक दिया है, जो कि करीना कपूर ने अशोका में पहना है. इसमें हमारी टीम जो है वो हॉलीवुड से आई थी, तो जी, तो जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट थे हैं, उनका नाम है ट्रेफ प्राउड, वो हॉलीवुड से हैं और उन्हें वो ऑस्कर विनर हैं. फिर हमारे पास एलन पॉपलटन थे, एलन पॉपलटन ने हमारी मूवी में एक्शन कोरियोग्राफी करी है. एलन अगर आप गूगल करें तो उन्होंने स्पार्टिकस, बड़ी बड़ी पिक्चरों की एक्शन कोरियोग्राफी करी है. जेफ रोना जो हैं, उन्होंने हमारी मूवी को म्यूज़िक दिया है, जिन्होंने टाइटेनिक की म्यूज़िक कंपोज करी है, अवतार की करी है. तो ये तो बहुत ही बड़ा पैकेज था फॉर मी एज ए डेब्यू, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मतलब सारी दुनिया आपकी फिल्मों में है? हाँ, सारे, हाँ, से टॉलीवुड से लेके मॉलीवुड तक सब है. चलिए अब आपकी इस फिल्म में आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, जितना हमने देखा जी, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं आप इस फिल्म में, क्योंकि हमने तलवारबाजी देखी और थोड़ा सा मलयालम में जो कुछ समझ में नहीं आया, सब टाइटल इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझा जी, तो आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, क्या है आपका किरदार इस फिल्म में? अच्छा, तो मेरा जो किरदार है उसका नाम है कुट्टी मानी. कुट्टी मानी लेडी मकबैत से इंस्पायर है. इंस्पायर तो क्या, लेडी मकबैत ही है. कुट्टी मानी जो किरदार है वो मलयालम हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री से उठाया गया है, ठीक है. तो कुट्टी मानी जो है लेडी मकबैत है. अब कुट्टी मानी के अलग अलग लेयर्स हैं बहुत, अगर आप एक्टिंग के बारे में पढ़े तो जब कैरेक्टर जब आप लिखते हैं तो उसमें आप अलग अलग लेयर्स करते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसी होगी, ऐसा होगा. तो जब आप कुट्टी मानी पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको अलग अलग उसमें लेयर्स दिखेंगी, और बहुत डीप लेयर्स हैं, क्योंकि ये जो औरत है, ये जो लड़की है, बड़ी मैनिपुलेटिव है, षड्यंत्र रचती है, लेकिन मोहब्बत भी करती है, मोहब्बत करती है, फिर इसको पावर भी चाहिए, इसको बदला लेने का जुनून है. पिक्चर में बहुत सुंदर दिखती है, और तो और ये जो कुट्टी मानी जो किरदार है, ये औरत का मतलब उसकी जो सोच है वो मर्दाना ज़्यादा है, यू नो. तो जैसे जब एक औरत की माँ बनती है, जो मासूमियत होती है वो कुट्टी मानी में नहीं है,
वो बहुत ही गो गेटर है, बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही जिसको कहते हैं ना, जब ठान लेती है तो पाके रहती है, वो ऐसी तरीके का किरदार है. लेकिन एट द सेम टाइम दिल में इसके लिए चंदू जो कि कुणाल कपूर, उसके लिए मोहब्बत भी है. तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का किरदार है जिसमें आपको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे. जैसे जब हम खाना खाते हैं, तीखा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, ये उस तरीके का किरदार है कि जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये भी है, ये वो भी है, ये भी है. तो उसको प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आया. तो कुट्टी मानी जो है, शी इज़ लेडी मकबैथ, जिसमें अलग अलग आपको फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे एज एन एक्टर. हिंदी फिल्मों में बहुत सारे किरदार को देखा है, आपका कैसा एक्सपीरियंस कुणाल के साथ? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कुणाल के साथ. बहुत ही अच्छे इंसान है, एक्टर तो हैं ही बहुत अच्छे ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने थिएटर भी करा है, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें भी करी हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ काम भी करा है. बट उनकी एक बात बड़ी बड़ी अच्छी सी है कि उनके आसपास कुछ वो स्टारी एयर नहीं है. आपको लगता नहीं कि आप कुणाल कपूर के साथ बैठे हो. तो जब मैंने जब सुना कि कुणाल कपूर है मेरे ऑपोजिट, आई गॉट वेरी एक्साइटेड और नर्वस अगेन कि कुणाल कपूर है, क्योंकि ही इज़ रियली हैंडसम, टॉल, गुड लुकिंग, वेरी गुड एक्टर. और उनकी जब मीनाक्षी पिक्चर आई थी तब से मुझे बहुत पसंद है. उसमें एक गाना है तितली द बोझली, मैंने वो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि मेरा बहुत फेवरेट गाना हुआ करता था वो. तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे एक्टिंग भी बहुत सीखने को मिली. एंड आई फील ही कैन बी अ वेरी गुड डायरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ सीन्स में डायरेक्ट भी करा. जब हम रीडिंग करते थे तो कहते कि दिवीना तुम ऐसे करके देखो, और जब मैंने करा तो मुझे लगा कि यार ये तो ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है. सो ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट एक्टर, ग्रेट डायरेक्टर. एंड या और इंटरव्यू में आपने थोड़ा टाइम पहले मोहब्बत के बारे में बोला, जिस रोमांस भी हमने इस फिल्म में जी जी, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस कुणाल के साथ में? अच्छा रहा. कुणाल ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, क्योंकि मेरी डेब्यू है और मैंने कभी ऐसे सीन्स करे नहीं हैं. तो उन्होंने मुझे बैठ के समझाया, उन्होंने काफ़ी डिस्कशन करा, ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल ऑन द सेट्स. तो कुणाल के साथ अच्छा रहा, इट वाज गुड, वेरी कंफर्टेबल, इट वेंट रियली स्मूथ एंड नाइस. क्योंकि गेटअप में भी हमने देखा, आपने कहा कि जो करीना कपूर का जो अशोका में हमने देखा था, उस तरह का गेटअप हमने ट्रेलर में भी हमने देखा. तो गेटअप के साथ में कितना वर्क करना पड़ता है एज एन एक्टर, और क्योंकि आप ने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो आपके लिए कितना टफ था या इजी था? अच्छा, गेटअप आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट लगता है? गेटअप बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई कैरेक्टर या कोई किरदार प्ले करते हो ऑन स्क्रीन, तो एक्टिंग तो बाद में आती है, विजुअली बहुत जल्दी अपील करता है. आप मोटे हो, पतले हो, सुंदर हो, काले हो, आप गंदे हो, जो भी हो, विजुअली ज़्यादा अपील करता है एज एन एक्टर. तो जब मुझे कुट्टी मानी का रोल ऑफर हुआ था, तो मुझे करीबन 10 kg वज़न बढ़ाना था, क्योंकि कुट्टी मानी जो है बहुत ही वलप्शसली हॉट है, क्योंकि साउथ में सारी एक्ट्रेसेस वैसी हैं. अभी तो काफ़ी चेंज हो रहा है, बट कुट्टी मानी एज अ कैरेक्टर इन वीरम इज़ वेरी वलप्शसली हॉट. तो मुझे कुट्टी मानी के लिए 10 kg वज़न बढ़ाना पड़ा था. तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे तलवारबाजी की प्रैक्टिस भी करनी थी और मुझे वज़न भी बढ़ाना था. तो जो भी आप खा रहे हो, आप बर्न कर रहे हो, फैट बर्न कर रहे हो, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. सो आई हैड टू अंडरगो अ वेरी स्पेशल डाइट, सो दैट आई एम ईटिंग लॉट ऑफ कार्ब्स, लॉट ऑफ फैट्स, एंड आई एम नॉट बर्निंग माय फैट व्हाइल डूइंग माय स्वॉर्ड फाइट प्रैक्टिसेस. तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. तो फॉरकुट्टी माने मुझे ये मेन करना था. उसके बाद हमारा गेटअप बहुत ही एंशंट, बहुत ही पीरियोडिक है. तो उसमें हम मुंडूस पहने हैं, हमने पुरानी सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी यूज़ करी है, लंबे बाल हैं, मैंने विग पहनी है उसमें, क्योंकि मेरे इतने लंबे बाल नहीं है. तो विग को लगाने में तो पूरे गेटअप में करीबन आई थिंक 1 घंटा जाता था. हाँ, क्योंकि विग लगाना, फिर मेरा जो आप सिग्नेचर स्टाइल है कुट्टी माने का, उसको बनाने में भी 1.5 से 1 घंटा जाता था. तो काफ़ी रिग्रेस था, लेकिन मुझे मज़ा आता था कि आप एकदम दिवीना से एकदम चेंज जाते हो 1-1.5 घंटे में. सो फॉर मी एज एन एक्टर, आई थिंक गेटअप इज वेरी इम्पोर्टेंट. वो पूरे गेटअप के साथ में जब आप सेट पर एक्टिंग के लिए उतरते थे, जी, जो हमने ट्रेलर में भी जो आपका गेटअप देखा, जी, तो वो कितना कंफर्टेबल रहता है जब डायरेक्टर बोलते हैं ओके रोल एक्शन नाउ, तो वो आपके लिए कितना कंफर्टेबल था या कितना इजी था आपके लिए जब पूरे गेटअप में आप थे? अच्छा, मेरे लिए तो बहुत इजी था,
क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि ये जो गेटअप है करीना कपूर ने पहना है अशोका में, और मुझे बड़ी बहुत सुंदर लगी थी वो मूवी में. तब से मेरा सपना था कि मैं ऐसा एक पिक्चर में कॉस्ट्यूम पहनूं. तो वो डेब्यू में हो गया, वो खुशी के कारण मुझे कभी नर्वसनेस नहीं हुआ कि मैं कैसी लग रही हूँ. मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ. और जब भी हम वो गेटअप के साथ एक्टिंग करते थे, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी वेयरिंग दोज कॉस्ट्यूम्स. And फिल्म भी रिलीज होने वाली है कुछ टाइम के बाद, तो जी. क्या कहना चाहेंगे आप अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों के लिए? मैं सबको बस यही कहना चाहूँगी कि वीरम एक बहुत ही इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट. इसको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है, और एक स्टोरी हम प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस को. आई रियली होप कि सब दर्शकों को हमारी मूवी अच्छी लगे और हम उनको एंटरटेन कर सकें. क्योंकि ये आपका डेब्यू है, तो हर एक एक्टर जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जब कदम रखते हैं तो वो ऐसी सोच रखते हैं कि मैं इस एक्टर के साथ भी मुझे फ्यूचर में कभी काम करना है, या इस एक्टर के साथ मुझे एक्टिंग करने को मिलेगी, उनके साथ में फिल्म में काम करने को मिलेगा. वो ऐसे कौन कौन से एक्टर हैं जिनके साथ में आप अभी भी काम करने की इच्छा रखती है? बड़ी लंबी लिस्ट है. बहुत लंबी लिस्ट है. जैसे शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं. सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ जी के साथ मैंने काम करा है एड में. हाँ जी, वरुण धवन के साथ भी किया है. तो सबके साथ काम करना है, ढेर सारा काम करना है. और एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आई वॉन्ट टू एंटरटेन माई ऑडियंस एज मच एज आई कुड. बहुत अच्छा रहा रणबीर कपूर के साथ, तो बहुत ही अच्छा था. तो मेरा उसमें ड्राइविंग सीक्वेंस है रणबीर के साथ, और बारिश हो रही है और मैं गाड़ी चला रही हूँ. इतने अच्छे को एक्टर है हूँ कि ही हेल्प मी पीछे देखने में कि रिवर्स, क्योंकि बार बार मुझे रिवर्स करना था. दो तीन सीक्वेंसेस ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो रणबीर ने डायरेक्टर को कहा कि कैसे करेगी बेचारी इतना सारा, उसको थोड़ा वो तो दो, स्पेस तो दो. सो ही इज अ ग्रेट को एक्टर एंड आई रियली विश टू वर्क विद हिम समडे. हाँ, क्योंकि रेविना जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हम देखते हैं एक एक्टर जी, तो कोई बहुत सारे एक्टर मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, लाइक एक्टर डायरेक्टर भी होता है, एक्टर सिंगर भी होता है, एक्टर प्रोड्यूसर भी होता है जी. एक्टिंग के अलावा और आपका किन किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है, या और हम आगे इन फ्यूचर में हम आपको क्या क्या देखेंगे? सिंगिंग देखेंगे? हाँ, मुझे संगीत बहुत पसंद है, लेकिन फिलहाल तो मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है. मतलब मेरे ब्लिंकर्स बस ऑन है, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है. लेकिन हाँ, शायद मैं संगीतकार बन सकती हूँ, शायद मैं डायरेक्टर भी बन सकती हूँ. मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डायरेक्टर छुपा है, जो कि मेरे ख्याल से करीबन 15-20 साल बाद मैं कोई पिक्चर डायरेक्ट करूँगी अगर मौका मिले तो. बट फिलहाल तो सिर्फ एक्टिंग, मुझे एक्टिंग से बहुत 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 प्रेम है. दैट्स लाइक माई पैशन ऑफ माई लाइफ. तो मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, 80 साल की उम्र तक एक्टिंग करनी है, बस एक्टिंग ही करनी है जी. सिंगिंग कब तक हम आपको देखेंगे स्टार्ट करते, क्योंकि हमने इंटरव्यू स्टार्ट से पहले आपने देखा कुछ? अच्छा, तभी आप मुझसे पूछ रहे हैं. नॉट बैड, गुड ऑब्जर्वेशन. संगीत हो सकता है मैं जल्दी गाऊं, अगर मौका मिलेगा तो जरूर से गाऊंगी, क्योंकि मुझे संगीत बहुत पसंद है. गाना बहुत अच्छा लगता है. एक गाना हम सुन सकते हैं अभी, जो भी जब भी आप फ्री होती है घर में या कहीं भी गाना गुनगुनाती है, आपका फेवरेट? एक जो गाना है मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ, मुझे मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ उस गाने से. उस गाने का नाम है के बोल है बावरा मन देखने चला एक सपना, जो कि स्वानंद किरकिरे सर ने लिखा है. और तो कुछ ऐसा है, पता नहीं मेरी आवाज़ अभी ठीक है. बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरी है बातें ला 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 ला. थैंक यू. अच्छा, तो मैंने थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू. इसके अलावा हमारी तरफ से सभी को, आपके और आपकी फिल्म को विश ऑल द बेस्ट. क्योंकि हमने सुना कि फिल्म कोई भी शॉट के लिए आपको 3 बार शॉट करने पड़ते थे, कोई भी सीन के लिए आपको 3 बार हिंदी, इंग्लिश, मलयालम. वो एज एन एक्टर आपके लिए कितना टफ था या कितना इजी था? टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था. टफ इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने मेरी सारी लाइनें पहले से करके रखी थी.
एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइनें पहले से कर लो, ताकि जब आप सेट पर हो तो आप स्पॉन्टेनियसली हर एक लाइन को अलग अलग से एक्सप्रेस कर सको। तो टफ नहीं था, इजी भी नहीं था, क्योंकि जब भी मैं सेट पे जाती हूँ, भले ही वो एक एड का सेट हो या पिक्चर का सेट हो, डर तो लगता है कि क्या मैं सीन अच्छे से कर पाऊँगी नहीं पाऊँगी। और मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि एक टेक में डायरेक्टर को मैं अपना सीन दे दूँ, ये हमेशा से मेरा एम रहता है, तो इसलिए ईजी नहीं था। बट सरप्राइजिंगली मैं अपना सीन मलयालम से चालू करती थी। लेकिन आपने बोला कि थोड़ा सा टफ था मेरे लिए मलयालम, थोड़ा स्पीक में भी और हाँ टफ था, क्योंकि मलयालम बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, टंग ट्विस्टर है, बड़ा ध्यान, इट्स लाइक यू आर रोलिंग योर टंग एवरी टाइम, तो इसलिए टफ था। मैं उसको आसान बनाया क्योंकि मैंने कम से कम 25 से 30 दिन अपनी लाइनों पे काम करा था, तो मैंने अपनी सारी लाइनें जो हैं रोमन इंग्लिश में लिखी, हिंदी में लिखी, देवनागरी लिपि में लिखी, वॉइस नोट्स सुनाए, तो मैं रोज़ वॉइस नोट्स सुनती थी कि मुझे प्रॉपर उसका फ्लो पता हो लाइन का, तो मैंने इस तरीके से उसको ईजी बनाया। बट हर एक सीन को मैं हमेशा मलयालम से चालू करती थी, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी। हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, बट मैं हिंदी सबसे आखिरी में करती थी, एंड डायरेक्टर वॉज वेरी सरप्राइज, द एंटायर सेट वॉज सरप्राइज कि मैं मलयालम से चालू कर रही हूँ। सो इट वॉज गुड, इट वॉज नॉट टफ, इट वॉज नॉट ईजी, बट इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। अगर हम पूछे आपसे कि आपको ओवरऑल कितनी लैंग्वेज आती है, क्योंकि हिंदी में देखा, मलयालम भी आपको आती है थोड़ा बहुत, हाँ इंग्लिश भी आती है जी, और गुजराती नहीं नहीं आती, लेकिन समझ में आती है, गुजराती और मराठी समझ में आती है, थोड़ी बहुत बोलनी आती है, बट इंग्लिश हिंदी आती है अच्छे से जी। हम देख रहे हैं शॉर्ट फिल्मों का भी टाइम है, आपको भी हमने शॉर्ट फिल्म में देखा, तो आपने मुझे कौन सी शॉर्ट फिल्म में देखा? देखा है हमने आपको, अच्छा देखा है, ओके ओके, तो आगे भी हम देखेंगे शॉर्ट फिल्मों में। हाँ मेरे लिए, मेरे ख्याल से एज एन एक्टर कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, वो भले ही एक थिएटर का मंच हो या एक शॉर्ट फिल्म हो या एक एड हो या एक टीवी सीरियल हो या एक पिक्चर हो, एक्टिंग तो आप कहीं भी कर सकते हो, तो अगर मुझे शॉर्ट फिल्म ऑफर होती है मैं ज़रूर करूँगी, बस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट फिल्म मैक्सिमम 12 से 15 मिनट की होती है, उस 12 मिनट में चैलेंजिंग होता है कि आप ऑडियंस को एकदम ग्रिप कर लो, तो अगर सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो मैं ज़रूर शॉर्ट फिल्म करना चाहूँगी, और आप शायद मुझे देखेंगे भी शॉर्ट फिल्म में, क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा है शॉर्ट फिल्म की आजकल। होली से मुझे बहुत डर लगता है मुझे रंगों से बहुत प्रेम है, लेकिन जब कोई रंग मेरे चेहरे पे लगाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं होली कभी नहीं खेलती मैंने रंग कभी नहीं खेले, और बस ऐसे कुछ प्लान है दोस्तों के साथ में या फिर नहीं, बस घर पे देख के पिक्चर देखूंगी लैपटॉप पे। ओके, तो कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें होली से रिलेटेड, होली बचपन में जब आप खेलती थी या खेली तो मैंने कभी नहीं है होली नहीं, और एक मतलब जो आप मेमोरी पूछे वो यही है कि जब भी बचपन में जब घर में आते थे हमारे मामा मामी चाचा चाची कलर लगाने, तो मैं कमरे में जाके बंद हो जाती थी और बहुत फूट फूट के रोती थी कि मुझे नहीं लगाओ रंग, क्योंकि मुझे बहुत ही डरावने ज़ॉम्बी टाइप लगते जब रंग लगा के लोग आते ना कलर लगाने, मुझे बहुत डर लगता है, तो बस यही एक मेमोरी कि मैं बहुत रोती थी बचपन में जब भी कोई कलर लगाने आता था, मुझे रंगों से डर लगता है जब कोई चेहरे पर लगाता है। नमस्कार, हेलो टू एवरीवन, आप सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। कलर से खेलें, पानी ज़्यादा वेस्ट ना करें, सूखे कलर से खेलें, मिठाई खाएं और खूब इंजॉय करें, और वीरम देखें, थिएटर में जाके देखें, से नो टू पायरेसी, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।